कि जे नलवा ना मरदा कम सी आया कंडे ते महाराजा रणजीत सिंह ना पैंदा मंजे ते। अज असी जा रहे हां गुजरात, अजे आंढ गवांढ दियां और साडे गोरे पौंदे पट्ठे ते। जी अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्रीकाल, मैं अंजन गिल और अज असी जा रहे हैं गुजरात, जी जगह जाएंगे तुम्हें भी दिखावे। सा नाल अमृत बुद्ध साहब, प्रोफेसर तारक जटाला साहब मुसा, पर माड़ा जहा दसना असं कितने कितने जाना, पता तो सानू भी कोई नहीं जी कदाई ना कदाई जस है। जी दोस्तों, जिस तरह असी तुहानू दस्या सी लाहौर के असी अज जा रहे हैं गुजरात। सो गुजरात का एरिया मंडी बहाउद्दीन, उसका एक कस्बा है चेलियांवाला। सो उत्थे असी पहुँच चुके हैं। चेलियांवाला वो जगह है जिथे 13 जनवरी 1849 दे विच गोरियां दे दरम्यान और पंजाबी जिहड़ी फौज सी उन्हां दे दरम्यान एक जंग होई सी, एक लड़ाई लड़ी गई सी। सो शेर सिंह अटारी वाला की गवाही दे विच पंजाबी जिहड़ी फौज है वह लड़ी सी इस जगह पर। सो पंजाबी इत्थे बहुत सारे शहीद भी होए और गोरे जड़े इत्थे काफ़ी जड़े गोरे भी वह भी मारे गए। उन्होंने गोरियां दी जिहड़ियां यादगारां ने वह इत्थे बनियां ने और पंजाबियों दी यादगारां इत्थे नहीं बनाई गई। सो यह सारी गलबात तुहानू अगे जा के दस। जी दोस्तों, इस जगह पर लिखा 13 जनवरी 1849। सो ये जड़ा स्लीप जड़ी बनाई गई है, ये जड़े गोरे इत्थे लड़े सन पंजाबी फौज के नाल, सो उन्होंने याद में बनाई गई है। और इस अगर जगह पर वेखो तुसी तो इस जगह पर लिखे ने जड़ी गोरियां दी फौज सी उन्होंने नाम लिखे ने सारियां दे। सो इत्थे पंजाबी फौज नाल लड़े थी गोरे, तो उन्हें पंजाबी का किसी का भी नाम नहीं लिखा गया। सो अगर इन्हां दे नां इत्थे लिखे जा सकते हैं जिहड़े इस धरती के वारस सन, उन्हां दे नां इस जगह पर नहीं लिखे। सो असी अमरजा साहब भी खड़े ने परली साइड ते, उन्हां कोल चलने उन्हां नाल गलबात करने आ। सो इस दे बारे वह सानू बेहतर दसणगे। जी दोस्तों, एक मनार है भी उन्हां दी याद च बनाया गया। तो इस जगह पर इस दे बारे जिहड़ा इंग्लिश दे विच लिखा गया जो भी इसकी जिहड़ी तारीख है, और अगर इस तों अगे जाइए अगर इस साइड पर तो इधर पंजाबी दे विच लिखा गया। सो एक पासे जिहड़ी परली साइड उर्दू च लिखा गया और नाल ही इहदा जिहड़ा फारसी दे विच भी लिखा गया। तो अगे चलने आ, तारक चटाला साहब तो अमरजा भट्ट साहब खड़े ने, उन्हां नाल गलबात करने। जी सर, इस जगह के बारे जिहड़ा सानूं थोड़ा जिहा दसो जिथे असीं अज खड़े हाँ। अंजम साहब, ये जगह ठीक उस जगह पर बनाई गई सी जिस जगह पर इत्थे चेलियांवाला दी जंग लड़ी गई सी। बड़ी मशहूर जंग लड़ी जाती है पंजाबी इतिहास की, अगर असी देखिए तो यह सैकड़ लास्ट जंग सी। इस तो बाद सिर्फ गुजरात की जंग लड़ी जाती है और उस तो बाद पंजाबी राज खत्म हो जाता है, गोरा इत्थे काबिज़ हो जाता है। यह उस दी याद दे विच गोरे ने ही बनवाया सी, क्योंकि इत्थे इस थान ते गोरे दे हज़ार के करीब अपने लोग जिहड़े ब्रिटिश लोग सन वो इत्थे या तो मारे गए या लापता हो गए।
सो गोरे वास्ते यह बहुत वड्डी चीज़ सी। इस तू पहले गोरा अच्छा मारे गए और लापता भी हो गए। लापता भी हो। इस तू पहले गोरा सिर्फ हिंदुस्तानियों नू लड़ा रहा सी इतों मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर। मिसाल के तौर पर उन्हें सिंध पर कब्जा करना है तो UPCP की फौज उत्थे लैके आएगा, किसी होर स्टेट नाल लड़ना है तो उत्थे वो लैके आएगा। इत्थे पहली बार ये होया कि उन्होंने अपने लोग जिहड़े सन वो मरे गए सन। यह फिर 1871 दे विच यह मोनूमेंट जिहड़ा वा ये बनाया जाता है और अपने सोल्जर्स की बहादरी नू प्रमोट करन वास्ते उन्हों अगे वधाण वास्ते ये बनाया गया ताकि लोगों नू ये दस्या जावे, पंजाब दे लोगों नू ये दस्या जावे कि असी ही बहादुर हाँ, असी ही बहादरी दी अंदास्ताना रकम करदे हाँ। हुण ये होना ये चाहिए सी कि जिथे ब्रिटिश सोल्जर सन, क्योंकि जंग तो कोई जितया नहीं सी, ना गोरा जितया सी ना पंजाबी जिते सी, ये जंग तो बराबर रही सी। हुण एक मोनूमेंट तो किसी पंजाबी जो शेर सिंह अटारी वाला सी उहदा नाम भी हो जाता, इत्थे वो मुसलमान जिहड़े लड़ रहे सन उन्हां दा नाम भी हो जाता, इत्थे हिंदुआं दा नाम भी हो जाता। सो इत्थे आके जिहड़े गोरा शुरू तो उसदी एक माइंड सैट बदनीति दा है सी वो 1871 तो सानू नज़र आ रही है इह मोनूमेंट दे थ्रू। सो इस मोनूमेंट दी एक अपनी बड़ी हुण पंजाबियों नूं की करना पएगा, अपनी तारीख आप लभनी पएगी, वो तारीख इहदे नाल जुड़ी हुई है कि अगर एक साइड की बहादरी है तो दूसरी साइड की बहादरी कित्थे है। जो पंजाबी लभ लेगा तो उन्हें पता चलेगा कि इस धरती के लोग इस धरती के दिफा वास्ते इसको डिफेंड करते हुए किस हद तक उन्होंने अपनी जाना कुर्बान कीतियां और उन्हों का अल्टीमेटली मकसद यही सी या कोई होर मकसद सी, क्योंकि धरती का डिफेंड करन दा इस तों इलावा होर तो धरती के बचने का कोई मकसद नहीं होंदा। सो मकसद गोरे का जिहड़ा सी वो इत्थे बाहरों आ के इत्थे रूल कायम करना सी, पंजाबी अपनी धरती का दिफा कर रहे सी। और हमेशा हीरो वो होंदा वा जिहड़ा अपनी धरती अपने लोगों के दिफा लई मरदा वा, शहीद होंदा वा, और काबिज़ वो होंदा वा जिहड़ा बाहरों आ के तुहाडे वसायल ते कब्ज़ा करन दी कोशिश करदा है जिवें उस वेले गोरे ने कीती। और ये याद सानू अज भी गोरे दी उस वेले दा उहदा माइंडसैट की सी वो भी याद दिलांदी है और पंजाबियों दी कुरबानियां भी याद दिलांदी। सर इत्थे पंजाबियों ने कुरबानियां दित्तियां कि साढ़े जिहड़े जां हुकूमत आ जां दूसरे जिहड़े पंजाबी ने उन्होंने अपने तौर पर यह नहीं करना चाहिए कि असी भी अपने पंजाबियों की इतनी याद बनाई। देखो पाकिस्तान बन जाता है, हिंदुस्तान बन जाता है 1947 में, लेकिन कंटीन्यूटी उस सिस्टम की है जिहड़ा गोरा बना के गया सी। जिवें भगत सिंह कहिंदा सी कि जिस तरीके की आज़ादी तुसी चाह रहे हो ये आज़ादी बेमानी होएगी अगर इंदे विच तुसी क्लास सिस्टम नूं खत्म नहीं करोगे। सो सानू हर जगह पर क्लास सिस्टम वो नज़र आता वा। हुण पंजाबियों का राज जदों तक नहीं होंदा तो इत्थे कौन करेगा? पंजाबी तो तुसी किसे नूं कहोगे तो वह तो कहेगा अच्छा यार वो तो सिखां दी जंग सी। सो इस नूं एक तो यह जिथे धर्म ताकत बनते आ किसी भी धरती किसी भी स्टेट वास्ते, पंजाब वो वाहिद धरती है जिथे मजहब कमजोरी बने, दुनिया के किते इस तरह नहीं होंदा। सो इत्थे एक मिनट तो पहले वंड पै जाती है कि अच्छा वो तो खालसा राज सी, हुण साडे सिख बैणा बिरा भी इतने कमले हैं कि वह खालसा राज की सिर्फ रट रट दे। उन्होंने ये पता नहीं सी कि वह पंजाबी फौज सी, उस फौज दे विच मुस्लिम भी शामिल सन, उस दे विच हिंदू भी शामिल सन, उस तो दूसरे माड़े लोग भी शामिल सन जिहड़े लड़ रहे सी। सो जिहड़ी धरती दी जिहड़ी कौम दी तारीफ है अगर उस दे विच असी इस नूं देखांगे तो सानूं समझण दे विच आज़ादी मिलेगी। और पंजाबियों नूं जदों असी ये समझा लवेंगे पंजाबियों का अपना इत्थे रूल कायम हो जाता है, उस तो बाद मोनूमेंट इहदे नाल नाल इहनूं भी असी रखना है ताकि गोरा किस माइंडसैट के तहत सारा कुछ बना रही है, लेकिन उनके जो पंजाबी हीरोज़ हैं उन्होंने भी प्रमोट करना जिवें तुहाडा सवाल है बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया गलबात करने वास्ते। जे नलवाना मरदा कम सी आया कंडे ते, महाराजा रणजीत सिंह ना पैंदा मंजे ते, ना जालम सरकारां साडे राज नूं सांभदियां, साडे गोरे पाउंदे पट्ठे ते मेमां भांडे मांजदियां। सो मिलदे हां किसी नवी वीडियो दे नाल, रब रख।